गीता कॉलोनी में 17 साल की टिकटॉक स्टार सिया कक्कड़ ने की खुदकुशी, फांसी लगा कर दी जान। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। सीमापुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, बदमाश के हाथ में गोली मारकर किया गिरफ्तार, लूटपाट के कई मामलों में था शामिल। गांधीनगर में समुदाय भवन बना आइसोलेशन सेंटर, 50 बेड का बना आइसोलेशन सेंटर, सबके प्रयास से हो रहा है काम। गांधीनगर में बाजारों में नहीं है अभी ग्राहक, कोरोना से दहशत में है लोग, व्यापारियों कहना दुकानों का खर्च निकालना हुआ मुश्किल। और पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होने से पूर्व दिल्ली के लोग नाराज, महामारी ऊपर से महंगाई मार रही है लोगों का, ऐसा जनता ने कहा, सरकार जनता के हित में करेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। EDMC के नए मेयर निर्मल जैन बन चुके हैं। मेयर निर्मल जैन के पास कोरोना काल में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। कोरोना की वजह से पूर्व दिल्ली में दिनों दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। निगम हर संभव प्रयास कर रहा है जिससे इस महामारी को रोका जा सके। घर घर जाकर निगम लोगों का स्क्रीनिंग कराएगा, साथ ही आइसोलेशन सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, इस पर पूरा जोर दिया जा रहा है। नवनिर्वाचित मेयर निर्मल जैन से बातचीत की हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने। तो सभी जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है और हर कोई प्रयास कर रहा है, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, कि कोरोना से किस तरह से निजात दिलाई जा सकती है। लेकिन आज हम खास बातचीत करेंगे पूर्वी दिल्ली के नए मेयर निर्मल जैन जी से और जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां निगम की ओर से की जा रही हैं और क्या कुछ आगे की प्लानिंग्स हैं। जो भी कोरोना पीड़ित है या सस्पेक्टेड है उसको अलग किया जाए, उसके लिए हम आइसोलेशन सेंटर बना रहे हैं। दूसरा, इसके अलावा जो हम निगम लेवल पर बहुत बड़ा काम हम करने जा रहे हैं, हम जो है ना, मतलब सब घरों घरों में, हर घर के अंदर हमारे कर्मचारी जाएंगे, जो थर्मल स्कैनिंग मीटर होगा उनके पास में ऑक्सीमीटर होगा जो ऑक्सीजन का लेवल का, और उसमें हम घरों में जांच करेंगे। अगर कोई सस्पेक्टेड मिलेगा तो उसकी लिस्ट अलग बना करके उसको अलग करेंगे। उसके घर में व्यवस्था हो तो वो अलग बात है कैसे, लेकिन वो पहले उसको डॉक्टर चेकअप उसको अंडर उसमें ला करके उसको कम से कम एक बार को सारे जो चीज़ें हैं जो इस कोरोना महामारी से बचने के लिए जो सारे पैरामीटर्स बनाए गए हैं उनका सबको उसको पालन, तो घर घर जा कर के वही हमारा जो, चूँकि कॉरपोरेशन का नेटवर्क तो हर वार्ड में मौजूद है, तो हमारे वार्ड के जो हमारे जो मलेरिया के विभाग के DVC वर्कर्स हैं, हमारे PHI हैं, हमारे और मेडिकल स्टाफ है, साथ में हमारे जो और विभाग इस टाइम, हम उन सबको लगा करके हम सब मिलकर के कोरोना की लड़ाई लड़ने वाले हैं। और इसमें जब तक घर घर से हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे जब तक ये लड़ाई को एक सार्थक रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। जो पूर्वी दिल्ली के नए मेयर हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि अब घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा, टीम जो है वो तैयार की जा रही है और देखा जाएगा कि किस घर में स्क्रीनिंग के दौरान कोरोना का मरीज निकल कर आता है, और अगर कोई कोरोना का मरीज निकल कर आता है तो उसके लिए आगे की जो तैयारियां हैं उसके बारे में भी यहां पर जानकारी दी गई है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप कैंथ, CCN। पूर्व दिल्ली नगर निगम कोरोना को देखते हुए इलाके में सारे प्रयास कर रहा है। कांतिनगर में कोरोना मरीजों को लेकर आइसोलेशन सेंटर बनाया गया। 50 बेड वाले इस आइसोलेशन सेंटर में गौतम गंभीर फाउंडेशन के द्वारा काफ़ी इंतजाम किया जा रहा है, जिसमें बेड हैं, SDM की तरफ से दवाइयों का इंतज़ाम है। अधिकतर जो सामान इस कम्युनिटी सेंटर के आइसोलेशन सेंटर में इस्तेमाल होगा वो यूज़ एंड थ्रो वाला होगा। कोरोना काल के चलते अब जगह जगह आइसोलेशन सेंटर जो है बनाने शुरू हो चुके हैं, और ऐसे में निगम ने भी कहा था कि निगम के जो सामुदायिक भवन हैं या फिर निगम के जो विद्यालय हैं वहाँ पर इस तरीके से बेड्स की व्यवस्था उन तमाम मरीजों के लिए की जाने वाली है जो कोरोना से पीड़ित होंगे। फिलहाल आज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नज़ारा है कांतिनगर इलाके का, जहां पर एक समुदाय भवन में कुछ बेड्स जो हैं वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं। यहां पर मेरे साथ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, नेता लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और आगे की जानकारी ले लेते हैं। दिल्ली सरकार से दिल्ली की जनता को जो आकांक्षाएँ थी उनमें कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार फेल हो रही है,
अरविंद केजरीवाल जी फेल हो रहे हैं, हमारे पूर्वी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री गौतम गंभीर फाउंडेशन की ओर से आज ये 50 बेड का जो आप कलेक्शन सेंटर हैं ये आप देख रहे हैं उनकी तरफ से बनाया जा रहा है, और उसके अंदर हमारा गवर्नमेंट के साथ भी तय्यब है। कल भी माननीय गौतम गंभीर जी ने सारे जो कंसर्न अधिकारी हैं, SDM ADM सबको ऑफिस से बुलाकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें सारी व्यवस्था प्रशासन की होगी और सारे डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे, नर्सेस अवेलेबल होंगी, और जो उनका खाने का या जो भी अरेंजमेंट है ये सभी दिल्ली मतलब SDM की तरफ से सारा होगा। एम्बुलेंस तक की व्यवस्था उन्होंने रखी है कि अगर कोई भी पेशेंट जिसको तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो वो एम्बुलेंस से यहाँ से GTV तक शिफ्ट हो जाएगा, तो ये निरंतर काम आगे बढ़ता रहेगा। इसके साथ साथ अगर आवश्यकता पड़ी तो आगे भी इस काम को जारी रखते हुए जितनी आवश्यकता पड़ेगी उस तरह से सेंटर खोले जाएंगे। जो भी पेशेंट आएंगे क्वारंटाइन होने के लिए उनको सबको इलेक्ट्रिक कैटल है अलग से, सभी के बर्तन अलग से दिए जाएंगे, बिस्तर होंगे, तकिया चादर गद्दे होंगे, साथ में लगभग 20 ऑक्सीजन सिलेंडर की यहाँ पर व्यवस्था रहेगी किट के साथ में, अगर किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। तो इस तरीके का एक जो आइसोलेशन सेंटर है ये गौतम गंभीर जी के द्वारा शुरू किया जा रहा है। आज जो स्थिति है जिस तरीके से ये महामारी फैल रही है और लोगों को एक बेड की ज़रूरत है जहाँ पर वो अपने आप को रिकवर कर सके, इतनी ही ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया अपनी संस्था के माध्यम से और यहाँ पर सारी एस्टेब्लिशमेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं। उस पर बेड पे एक एक चेयर आ रही है, चेयर के अलावा उसको मैटर्स आ रहे हैं, मैटर्स के साथ में चादरें आ रही हैं, चादरें भी ऐसी होंगी जैसे पेशेंट आया और वो पेशेंट गया तो उसके बाद दूसरी नई लग जाएंगी, उसको पिल्लों मिलेगा, उसके बाद दवाइयों की और वो व्यवस्था SDM साहब ने करी है सारी। SDM साहब इसमें काफ़ी हेल्प कर रहे हैं और कंचन महेश्वरी जी जिनका अवार्ड है उन्होंने जगह हमें उपलब्ध कराई है, और ये 50 बेड का जो है अभी बनाने का विचार है, उसके बाद और जरूरत होगी तो उसके अलावा बनाएंगे, एक हमारी वैन रहेगी। काम जो है वो शुरू हो चुका है, बेड की व्यवस्था हो गई है, कुछ और चीज़ें हैं जो लगातार आ रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि सांसद फंड से ये व्यवस्था की जा रही है, SDM ऑफिस से मदद मिल रही है, निगम की ओर से ये जगह जो है वो प्रोवाइड की गई है, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रयास है वो सब लोगों का एक साथ मिलने के बाद ही हुआ है, और ऐसे में तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है, और ये कहा जा रहा है कि जितनी भी सुविधाएं हैं वो यहाँ पर होंगी, डॉक्टर्स की टीम, दवाइयाँ और जितनी भी सुविधा मरीजों को चाहिए होंगी वो यहाँ पर उन लोगों को आसानी से उपलब्ध कराई जाएंगी। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप के अंत CCN। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में देर रात चेकिंग के दौरान शमशान घाट के पास जमकर गोलियां चली। पुलिस ने इलाके के बदमाश बाबू को रोका तो बाबू ने पुलिस पर गोलियां चला दी। इसके बाद कार्रवाई में पुलिस ने भी बदमाश पर गोलियां चलाईं जो उसके पैर में लगी, जिसके बाद घायल बदमाश को स्वामी दयानंद अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। 2 दर्जन मुकदमे दर्ज, पुलिस की माने तो बदमाश बाबू पर 2 दर्जन से अधिक स्नैचिंग और रॉबरी के मामले दर्ज हैं। कई बार बाबू जेल जा चुका है और अब जमानत पर बाहर आया हुआ है। फिलहाल मुठभेड़ में अन्य किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन सीमापुरी की एक टीम ने रात को अपनी बॉर्डर चेकिंग की टीम्स लगाई हुई थी। बॉर्डर चेकिंग में ये लोग मोटरसाइकिल पेट्रोल तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ इनके बैरिकेड्स भी पिकेट चेकिंग का काम कर रहे थे। उसी समय पे एक टीम को इन्फॉर्मेशन आई कि यहाँ पे कोई एक फेमस नॉन क्रिमिनल घूम रहा है जो कि रॉबरी और स्नैचिंग की वारदात करता है। तो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे थोड़ा एडिशनल स्टाफ इन पिकेट्स पे भेजा गया, और जब ये चेकिंग चल रही थी तो गाड़ियों को रोक कर चेक किया जा रहा था। उसी समय पे एक वाइट अपाची पे क्रिमिनल आता है, जैसे ही उसको पुलिस रोकने का इशारा करती है तो वो भागने की कोशिश करता है, और जब पुलिस उसे दोबारा इंटरफेयर करके रोकने की कोशिश करती है तो वो इमिजिएटली 3 राउंड फायर करता है पुलिस की तरफ में, और पुलिस अपना सेफ डिस्टेंस बना के एक सिक्योरिटी लेते हुए सेफ्टी बनाते हुए रिटेलिएटरी फायरिंग करती है, जिसमें एक बुलेट जो होती है क्रिमिनल के पैर में लगती है, लेफ्ट लेग में जाती है। मौके पे जब इसको पकड़ा जाता है तो इसका नाम अनीश बाबू सामने आता है, और इसके ऊपर पहले भी काफ़ी सारे स्नैचिंग के केसेस हैं, और डिटेल इंटरोगेशन में पता लगता है, ये बताता है कि इसने विवेक विहार में भी कुछ छीना झपटी करी थी और रॉबरी की वारदात करी थी, जिसमें पता लगता है कि ये केस रजिस्टर्ड है और उसमें जो फुटेजेज हैं वो इसके चेहरे से मैच कर जाती हैं, तो वो केस भी हमारे विवेक विहार के ये कनेक्ट हो जाते हैं। और MS पार्क और सीमापुरी के भी कुछ वारदात के बारे में ये क्लेम कर रहा है, वो केसेस में भी रजिस्टर्ड केसेस हैं, उसमें भी जो एविडेंस है वो डायरेक्टली जैसा बताया जा रहा है इंटरोगेशन में वो इससे कनेक्ट हो रहे हैं।
तो ये स्नैचिंग और रॉबरी की वारदात को अंजाम देता था और रात के समय थोड़े सुनसान स्ट्रेचेस पे कोशिश करता था कि वहाँ पे जो भी अकेला आदमी हो मैं उसको टारगेट करके इंसिडेंट को वारदात को कर सकूँ और चुपचाप वहाँ से निकलूँ। कल भी ये एक रॉबरी और स्नैचिंग की कोशिश करने के लिए निकला हुआ था लेकिन कल काफ़ी मौजूदगी थी पुलिस प्रेजेंस की तो ये वापस अपने इरादों को अंजाम नहीं दे पाया और एक पिकेट पे जाके ये फिर वहाँ पे चेकिंग के दौरान इसने ये इंसिडेंट को फायरिंग करी और फायरिंग के बाद रिटेलिएटरी फायरिंग पुलिस की तरफ से। दिल्ली का गीता कॉलोनी में कोरोना वायरस की टेस्टिंग चल रही है। झील खुरंजा राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय स्कूल में जहाँ देखा गया कि एक बुजुर्ग महिला को लोग लेकर आए परिवार वाले और गीता कॉलोनी 13 ब्लॉक से आए थे ताकि उन बुजुर्ग को कोई बीमारी ना हो उनकी टेस्टिंग के लिए स्कूल में व्हील चेयर का भी इंतजाम था जिस पर बैठा कर उनका चेकअप किया गया जिसमें बुजुर्ग महिला को ले जाया जा रहा है। कोरोना टेस्टिंग दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा चल रही है और जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनको क्वारंटीन सेंटर में भेजा जा रहा है। दिल्ली में कोरोना को लेकर तकरार जारी है। विपक्ष केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साध रहा है। कांग्रेस नेता नरेंद्र नाथ का कहना है कि दिल्ली सरकार और केंद्र में अभी तक तालमेल नहीं बन पाया है। दिल्ली में कोरोना को लेकर हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने कोरोना को लेकर दिल्ली में तैयारी ठीक से नहीं की है। पहले LG ने एक आदेश जारी किया था कि हर मरीज को 5 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रहना पड़ेगा। वो मतभेद हुए तो वो आदेश वापस लिया गया। अब होम मिनिस्टर की मीटिंग में अमित शाह की मीटिंग में ये तय हुआ कि हर मरीज को पहले कोरोना सेंटर में आना पड़ेगा। वहाँ से डिसाइड करेंगे कि वो आइसोलेशन में रहे होम आइसोलेशन में या कोरोना सेंटर में रहे। तो अब ये दोनों मतभेद मुख्यमंत्री केजरीवाल के अमित शाह के दोनों के मतभेद बने हुए हैं। 5 दिन हो गए लगातार मरीज बड़ा असमंजस में है क्या करें क्योंकि अभी तक ये फैसला नहीं कर पा रहे कि कोरोना का मरीज घर पर रहे या क्वारंटाइन सेंटर में रहे। ये फैसला नहीं हो पा रहा है तो इसका एक सुझाव है बहुत अच्छा भाई। जब हम पेशेंट का हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं उसे एक अंडरटेकिंग लेते हैं कि भी कल को कोई जिम्मेवारी होगी तो तुम्हारी होगी हमारी नहीं होगी। इसी तरीके से अगर पेशेंट से एक सिंपल उसी कंसेंट ले लें कि भी तुम जो कम लक्षण वाले मरीज हैं और जिनको लक्षण नहीं है उनसे एक स्टेटमेंट ले लें कि भी हम घर रहना चाहते हैं और यहीं पर इलाज कराना चाहते हैं या हम जो कोरोना सेंटर वहाँ जाना चाहते हैं बहुत आसान है। और जो ज़्यादा लक्षण वाले मरीज हैं उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दें। आप उसके मतभेद करने से फ़ायदा कुछ नहीं है, पब्लिक का नुकसान है और मरीज परेशान हो रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की स्थिति बहुत विस्फोटक बहुत भयंकर हो चली है। ऐसे में कोरोना होने पर मरीज को घर रखा जाए या हॉस्पिटल ले जाया जाए जब सरकार की तैयारी कोरोना से 4 कदम आगे की थी तो सभी के लिए अस्पतालों में प्रॉपर स्थान होना चाहिए। लेकिन यदि स्थान कम भी है तो किसी मरीज को घर रखा जाए अथवा नहीं केवल वो मरीज की मर्जी या सरकार की मर्जी पर निर्भर नहीं करना चाहिए। मेडिकल सुपरवाइजरी क्या कहती है घर में सोशल डिस्टेंसिंग की जगह है कि नहीं है, इंडिपेंडेंट बाथरूम इंडिपेंडेंट बेड है या नहीं है, अन्य लोगों के लिए वो व्यक्ति संक्रमणकारी तो नहीं हो रहा है, इन सारी बातों का विचार करते हुए ही ये फैसला किया जा सकता है। और दिल्ली में 80% मकान ऐसे हैं जिनमें ये वाली सहूलियत नहीं है। अतः जनरली तो किसी भी मरीज को हॉस्पिटल जाना चाहिए, अपवाद रूप में यदि किसी के घर में पर्याप्त सुविधाएं हैं तो उस पर घर पर भी रखा जा सके। आम आदमी की मुश्किलें रोजाना बढ़ती जा रही हैं। देश में पेट्रोल डीजल कीमत में तेजी से सिलसिला लगातार जारी है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल डीजल कीमत में इजाफा कर दिया। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर दिए गए रेट्स के मुताबिक दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत अब 80.02 रुपये है, वहीं 1 लीटर पेट्रोल के दाम 69.92 रुपये प्रति लीटर हैं। अब दिल्ली में पेट्रोल से ज़्यादा डीजल महंगा हो गया है। पूर्वी दिल्ली की जनता बढ़ रहे दामों को लेकर परेशान है। उनका कहना है कि वैसे भी लॉकडाउन में काम धंधा ठप हो गया है और इस तरह की महंगाई से जेब पर बहुत असर पड़ रहा है। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर 70 रुपये हो गया था तो उन्होंने हाहाकार मचा दिया था कि 70 रुपये पेट्रोल हो गया, चूड़ियाँ भिजवा रही थी। तो मैं अब स्मृति नारायण से पूछना चाहता हूँ कौन से बिल में चले गई। बाबा रामदेव साहब बोल रहे थे पेट्रोल 30 रुपये चाहिए या 70 रुपये चाहिए, अगर 30 रुपये चाहिए तो बीजेपी को वोट दीजिए, अगर 70 रुपये चाहिए तो कांग्रेस को वोट दीजिए। आज कहाँ हैं बाबा रामदेव जी, नकली दवाई बनाने की बात कर रहे हैं। आज वो IMCR ने उसको मना कर दिया कि हमने तो बातें नहीं करी। ये गुमराह करने का जो देश का काम चल रहा है ना, जो कुछ लोग उसको सरकार को घेरे हुए बैठे हुए हैं
और सरकार उन्हीं लोगों में घिर कर बैठ के काम कर रही है। नीचे जो आम आदमी है उसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, वो आम आदमी को मारने का जो प्रयास हो रहा है वो गलत है। वो विश्वगुरु बनने की बात करते थे, वो कहते थे कि हम 3400 रुपये लीटर पेट्रोल बेचेंगे, डॉलर और रुपया बराबर कर देंगे। तो आप देख सकते हो पेट्रोल और डीजल बराबर रेट हो गए हैं, दोनों 90-90 रुपये लीटर के हिसाब से चल बिक रहा है और लोग परेशान हैं। कोरोना के चक्कर में काम धंधा बिल्कुल ख़त्म है। उसके बाद आप देखते हो महंगाई, जब एक रुपये लीटर डीजल बढ़ता था तो लोग दिल्ली बंद भारत बंद कर दिया करते थे। आज वही लोग हैं सत्ता में, ना तो इनसे विदेश नीति संभाली जा रही है, ना स्वास्थ्य नीति संभाली जा रही है, ना आर्थिक नीति संभाली जा रही है। भैया बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आप खुद ही देखिए, ये लास्ट 3 मंथ से हम घर में बैठे हुए हैं, काम धंधा कुछ है नहीं, जो भी कुछ हम थोड़ा बहुत काम करते थे वो सब बंद हो चुका है। ये क्वारंटाइन करने के बाद सब कुछ, मतलब कोरोना वायरस ने एक तो काम सारा ख़त्म कर दिया, ऊपर से थोड़ा बहुत जैसे तैसे करके जो है आम पब्लिक और जो मतलब मिडिल क्लास है वो जैसे तैसे करके अपना काम गुजारा कर रही है। तो अब सरकार ने पेट्रोल और डीजल के रेट एकदम हाई कर दिए हैं, जिसकी वजह से अब जो थोड़ा बहुत काम चला था वो भी वो नहीं कर रहे हैं। देखो भाई साहब, जनता तो बहुत परेशान है, पहले से भी बहुत परेशान है। एक ही देख लो, ये आपके सामने ये पेट्रोल वाले, पेट्रोल का आसमान पे रेट जा रहा है भाई साहब। गरीब आदमी पेट्रोल कहाँ डलवाएगा और पैसे लेकर जुगाड़ करता भी है कहीं से, और यहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है। कोरोना की वजह से व्यापारियों का हाल बेहाल है। पूर्व दिल्ली के गांधीनगर के व्यापारियों का कहना है कि बाहर से ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, जिससे माल बिल्कुल नहीं बिक पा रहा है। कोरोना का डर बना हुआ है, बॉर्डर पार करके आने में लोगों को परेशानियाँ भी काफ़ी हो रही हैं। अभी मेट्रो बसें नहीं चल रही हैं, जिससे और लोग नहीं आ पा रहे हैं। व्यापार धंधा कोरोना की वजह से बिल्कुल ठप हो गया है। परिवार को चलाने में तमाम परेशानियां हम व्यापारियों को उठानी पड़ रही हैं, दुकानों का खर्च तक नहीं निकल रहा है। भैया जी, पहले से मतलब ज़्यादा मंदा हुआ है, कोरोना के बाद तो इतना ज़बरदस्त सलम पे यहाँ पर कि बोनियों तक के लाले हुए पड़े हैं। कोई बाहर से कोई ट्रेनें नहीं चल रही तो कहाँ से ग्राहक आएगा, बाहर से कोई चीज़ आ ही नहीं रही तो कैसे ग्राहक आएगा। यहाँ पर ज़बरदस्त असर पड़ा काम धंधे पर, गवर्नमेंट कोई सुनवाई नहीं कर रही काम धंधा व्यापारी आदमी के लिए, कोई गवर्नमेंट सुनवाई नहीं कर रही। काम धंधा तो भाई साहब तब होगा ना जब बाज़ार खुलेगा, बाज़ार खुला हुआ भी ना के बराबर ही है, क्योंकि ना तो कोई ट्रेनों का साधन है, ना कोई फ्लाइट है, ग्राहक ना कोई मेट्रो है, ग्राहक कहाँ से आएगा। दिक्कत तो है ही है भाई साहब, काम तो कुछ खास चल नहीं रहा खास क्या। हाँ, मार्केट में तो ग्राहक नहीं है, बाहर का ग्राहक आ कहाँ रहा है, बाहर का कोई कस्टमर नहीं आ रहा, यहाँ सारा दिन खाली बैठे रहो। देखो कुछ परसेंटेज आने चालू हो गए बाहर से, NCR से आने चालू हो गए, और बाहर की बसें खुलेंगी तो फिर और ग्राहक बढ़ने की उम्मीद है, और दिवाली से पहले पहले कारोबार आने की उम्मीद है, दिवाली से पहले आने की उम्मीद है। अब जैसे बसें खुलेंगी, बाहर की ट्रेनें खुलेंगी तो व्यापारी तो आएगा ही, व्यापारी पे माल ही नहीं है, दुकान पर ग्राहक नहीं पहुँच पा रहे, बाहर से भी नहीं आ रहे। कुछ लगता है कि जैसे टिकटें वगैरह कुछ पता लगता है कि मिलने में भी दिक्कत है, बसों में भी दिक्कत है और ट्रेनों की भी, और जब तक ये मेट्रो नहीं खुलेगी जब तक भी इनको दिक्कत रहेगी, और माल यहाँ से भेजने में भी दिक्कत है इन लोगों को। व्यापार और ज़्यादा एक हवो बना हुआ है कि 4000 केस हो गए, 3000 केस आ गए आज वो आगे, उससे जो है ना सबको डर लग रहा है। बाहर से जो व्यापारी है वो कुछ इससे भी ज़्यादा मतलब परेशान है। नहीं जी, कस्टमर अब मार्केट में आने से थोड़ा डर रहा है, और दिल्ली में जिस तरीके का माहौल है तो उस हिसाब से कस्टमर फ़ोन पे माल लिखवाना प्रेफरेंस कर रहा है, और ऑनलाइन ज़्यादा माल जा रहा है। बाकी कस्टमर का मार्केट में फुटफॉल बहुत कम है, लोकल दिल्ली के कस्टमर्स ही आ रहे हैं, बाकी बाहर के बहुत अवॉइड कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट पर माल जा रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन पहले से बहुत कम है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक और बुरी खबर आई है। 16 साल की टिकटॉकर सिया कक्कड़ ने गुरुवार को आत्महत्या कर ली। फोटोग्राफर विरल भयानी के पोस्ट के मुताबिक वह बुधवार रात तक अच्छे मूड में थी। पोस्ट के मुताबिक विरल ने सिया के मैनेजर अर्जुन सरीन से इस बारे में बात की। मैनेजर ने बताया कि बुधवार रात को उनके एक गाने के सिलसिले में सिया से बात हुई थी, वह अच्छे मूड में और एकदम ठीक थी। उनके मैनेजर को भी नहीं पता था कि आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से सिया ने यह कदम उठाया। सिया ने 20 घंटे पहले ही इंस्टाग्राम पर अपने डांस की वीडियो स्टोरी पोस्ट की थी। गीता कॉलोनी में उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCNN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।